गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, दिस इज 11th चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक. ठीक है, ओशन इंग्लिश. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 11 टुडे, द स्केलेटन सिस्टम. आप सबको पता है स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम. जो हमारे इंटीरियर ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, वो उन सबको प्रोटेक्ट करके रखता है. यानी हड्डियों का एक ढांचा, हड्डियों का एक जैसे वो होता है, क्या कहते हैं, कछुआ, तो उसका जो शेल होता है वो स्ट्रांग होता है ताकि उसके सॉफ्ट जो हाथ और सर है वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए. ऐसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रांग क्या चीज होती है? स्केलेटन सिस्टम, जो हड्डियां होती है. तो जो हमारे सॉफ्ट पार्ट्स हैं जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखता है. तो आज हम इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम. सबसे पहले आपको ये अपने आप से फिल करना है, ठीक है, बोन्स के बारे में कुछ दिया आपको, यहां से पिक करना है और यहां लिखना है. लेट्स स्टार्ट. When we touch the arm gently, it feels soft and when we press it, we feel something hard inside. जब भी आप आम को टच करते हो, जैसे आपने ये टच किया तो ये सॉफ्ट है, जब आप ऐसे दबाओगे तो आपको ऐसे लगेगा इसके अंदर कुछ हार्ड है, ठीक है, कुछ हार्ड है. What are the soft part and the hard part called? अब आपको बताना है कि सॉफ्ट पार्ट क्या है और हार्ड पार्ट क्या है. द हार्ड पार्ट इज कॉल्ड बोन. जो हार्ड पार्ट है आपको पता है वो हड्डी है. एंड द सॉफ्ट पार्ट अंडर द स्किन इज कॉल्ड मसल. और जो सॉफ्ट पार्ट है, जो स्किन के अंदर है, जैसे आपने ये दबाया, ये देखो ये सॉफ्ट है ना, यहां पर क्या है, हमारे मसल्स हैं. क्या है? मसल्स. नाउ ईच चाइल्ड विल टच डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज और हर बॉडी टू फील बोन्स एंड मसल्स. अब आप अपने हाथ को छुओ, दोनों हाथ को, फिंगर्स को छुओ, हैंड को छुओ, फेस को छुओ, लेग्स को छुओ. जब भी आप छुओगे तो आपको हार्ड और सॉफ्ट दोनों पार्ट फील होंगे, ठीक है. Generally, bones and muscles are connected to each other, but some parts like ear lobes, lips and eyelids have muscles only. क्या होता है, generally bones जो है हमारे muscles को connect करते हैं एक दूसरे से हर part में, मगर जो हमारे ear lobes हैं, यानी ear जो है, ear का कुछ portion, lips जो है होंठ, और eyelids यानी जो आंखें हैं ऊपर का जो portion है आंखों का, जिसको आप बंद कर लेते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती है. क्योंकि अगर बोन्स होंगी तो इतनी आसानी से मूव ही नहीं हो पाएगा. तो बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म एंडोस्केलेटन इन आर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी. तो बोन्स और कार्टिलेजेस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? एंडोस्केलेटन बनाते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, इट डिपिक्ट ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम. अब ये पिक्चर आपको दी हुई है, ये हमारी बॉडी की सारी बोन्स को दिखा रहा है. और क्या है ये? स्केलेटन सिस्टम. आर स्कल इज फॉर्म्ड बाय बोन्स ऑफ द हेड. हमारा जो स्कल है, ये खोपड़ी जो है, ये हमारे जो हेड को है वो बोन्स, ये हमारे हेड को एक तो कवर करती है. और किससे बनी हुई है? ये बोन से बनी हुई है. इट प्रोटेक्ट आर ब्रेन. अब ये इतना हार्ड क्यों होता है? इसके अंदर क्या है? हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसलिए इतना हार्ड है कि हमारे ब्रेन को, कभी आपका सर भी लग जाता है, कभी नीचे चलते चलते गिर जाते हो तो हमेशा आपके यहां पर हल्का सा लग जाता है, मगर आपके ब्रेन को डैमेज नहीं होता, ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम. अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम अकर इन द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, इट इज कॉल्ड स्पाइन. यानी पीछे, ये जो आपकी बैक है, जब भी आप मुड़ते हो तो या फिर आप पीठ में टच करते हो तो आपको कुछ फील होता है लंबा सा हड्डी जैसा, तो वो है तो इसको बोलते हैं स्पाइन. क्या बोलते हैं? स्पाइन या फिर बैक बोन बोलते हैं. ये जो आपको ये फील होता है, ये है स्पाइन या बैक बोन. द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 26 स्मॉल बोन्स, ईच बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा. अब ये जो स्पाइन है, अब यहाँ पे ऐसे ये बनी हुई है, ये कितनी है? 26. कितनी है? 26, जिसको एक को बोलते हैं वर्टिब्रा. वी कैन बेंड आर बॉडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और टू द लेफ्ट और राइट ड्यू टू बैकबोन. आप अपनी बॉडी को टर्न कर सकते हो, नीचे झुक सकते हो, ऊपर उठ सकते हो, लेफ्ट साइड मुड़ सकते हो, राइट साइड. क्यों? क्योंकि आपके पास बैकबोन है. आर ब्रेन इज कवर्ड बाय स्कल. जो हमारा ब्रेन है वो स्कल से कवर है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन बॉक्स. और किससे प्रोटेक्ट है? ब्रेन बॉक्स से. स्पाइनल कॉर्ड इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन इज अ सिमिलर टू अ रोप मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल. और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है? हमारी ब्रेन की तरफ टच करती है एक ऐसे रस्सी जैसे, जो जिसके अंदर नर्व सेल है. नर्व सेल मतलब जो हमारे दिमाग में होते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय वर्टिब्रल कॉलम. और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कौन बचाता है? ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं,
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। स्पाइनल नर्व्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, जो स्पाइनल नर्व्स है वो हमारे बॉडी में हर तरफ फैले हुए हैं। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है हमारे नर्वस सिस्टम के सबसे मेन पार्ट है। टू कीप आवर बोन बैक बोन हेल्दी, हमें अपनी बैक बोन को हेल्दी रखने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन करेक्ट पॉस्चर वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बैठ रहे हो या उठ रहे हो तो झुके ना रहो, कंधे टेढ़े ना करो, वरना आपकी बॉडी जो है वो सही नहीं लगेगी देखने में भी, और आपकी बोन्स जो है वो झुक सी जाएंगी, फिर आप ऐसे ही चलोगे हमेशा। तो उसको करेक्ट पॉस्चर यानी बॉडी का सही पॉस्चर बनाने की, यानी सही तरीके से खड़े होने के बैठने के लिए आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। अब रिब्स क्या होती हैं? लंग्स, हार्ट एंड ओसोफेगस आर कवर्ड बाय द केजेस ऑफ चेस्ट, यानी ये जो है इसके अंदर हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं और ओसोफेगस होते हैं। ये केज जैसे पिंजरा होता है वैसे बोन्स होते हैं ताकि वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे। दीज चेस्ट बोन्स आर कॉल्ड रिब्स, और इसी को रिब्स बोलते हैं, चेस्ट बोन है ये, आपके चेस्ट में छाती में होती है। रिब्स प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड इन आर चेस्ट, और रिब्स किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो हमारे चेस्ट में। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन आर बॉडी, 12 पेयर होते हैं, यानी अब आप ऐसे वन इधर से और वन इधर से काउंट करोगे तो 24 होंगे, 12 इधर और 12 इधर, ठीक है, तो ये पेयर में होते हैं। आर्म्स, अब आर्म्स क्या होता है, आर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, आर्म्स क्या होता है बेटा, फोर आर्म्स इन ह्यूमन बींग इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, अपर एंड लोअर। जो फोर आर्म्स होती है, जो हमारी आर्म्स होती है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है नीचे का लोअर पार्ट और ऊपर का होता है अपर आर्म, ठीक है। वी हैव वन बोन इन अपर पार्ट ऑफ आर आर्म अबव द एल्बो, और क्या है हमारे पास एक बोन हमारे अपर पार्ट में होती है आर्म के, ठीक है, जो एल्बो से ऊपर होता है। ये पूरी एक बोन, ये पूरी एक बोन। तो आपका जो फर्स्ट वीडियो बेटा वो यहीं पर फिनिश होता है।